गया में इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी संस्था के द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के माध्यम से सीखने सिखाने के सामूहिक प्रयास को अहम उद्देश्य रखा गया, जिसमें IGSSS के लक्षित गांव के समुदाय से प्रतिनिधियों ने अपने बेहतरीन प्रयासों को प्रदर्शित किया एवं साझा किया। ये मंच उनके काम को स्वीकृति देकर उनकी सराहना के लिए था। इस कार्यक्रम में स्टेट हेल्थ सोसाइटी से जिला प्रोग्राम प्रबंधक नीलेश कुमार पशुपालन एवं मत्स्य विभाग डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, NRC इंचार्ज रतन कुमार यादव, PHED विभाग से जिला समन्वयक विरमणी कुमार, टंकुप्पा प्रखंड से सुपरवाइजर रंजना कुमारी सह कई और स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रमुख सदस्य एवं इसके साथ कई फ्रंटलाइन वर्कर शामिल हुए। समुदाय के नेतृत्वकर्ता ने कई ऐसे अच्छे प्रैक्टिस को प्रदर्शनी के माध्यम से साझा किया, जिसमें प्रमुख तौर पर मटका भस्मयंत्र, जानवरों का पोषाहार, बच्चों का पोषाहार, कई तरल एवं जैविक खाद प्रदर्शनी जैसे अनेक प्रयासों को साझा किया गया। कार्यक्रम का संचालन IGSSS राज्य समन्वयक तुलिका मुखर्जी के द्वारा किया गया। और मैं इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी से हूँ। आज के इस कार्यक्रम के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ये एक जिला स्तरीय सीखने सिखाने का मंच के लिए ये जो कार्यक्रम है ये रखा गया है। ये बेसिकली आइडिया ये है कि जो कम्युनिटी लेवल पे लीडर्स हैं वो जो अच्छे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनके जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो यहाँ पर रख पाएँ, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर वो अपने काम को प्रदर्शित कर पाए। और इस मंच पे हम लोगों ने अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को भी बुलाया है ताकि उनके काम को रिकग्निशन मिले। और जो डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारीगण हैं वो लोग भी जान सके कि कम्युनिटी लेवल पे किस तरह के प्रैक्टिसेस हो रहे हैं। जी, इसमें ये भी आइडिया है कि जो प्रोडक्ट्स वो लोग बना रहे हैं उसको एज अ छोटा स्मॉल एंटरप्राइज के तौर पे भी वो खड़ा कर पाएँ और अपने बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ा पाएँ, जिससे उनका इनकम में भी इम्प्रूवमेंट हो।